नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम से स्टेबिलिटी पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। ड्रॉ द पोलर प्लॉट हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय GSHS इज इक्वल टू 50/(S+1, S+2)। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दिए हुए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोगों को किसी भी ट्रांसफर फंक्शन या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो आप लोगों को पोलर प्लॉट के स्टेप्स को समझना हो या जानना हो तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, जिस पर स्टेबिलिटी इन कंट्रोल सिस्टम पे मैंने पोलर प्लॉट के ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स बनाए हैं उनको अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप है, तो लिख लेंगे स्टेप वन पे हम लोगों को क्या करना होगा। पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, तो दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन पे जहाँ जहाँ पर एस होगा उसके जगह हम लोगों को क्या पुट करना होगा, जे ओमेगा पुट करना होगा। तो हम लोग लिख पाएंगे जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, और इस तरफ लिख पाएंगे 50/(J+1, J+2)। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट के पहले स्टेप को कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है। तो पोलर प्लॉट के सेकेंड स्टेप पर हम लोगों को क्या करना होगा, तो लिख लेते हैं स्टेप 2। तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल। तो मैग्नीट्यूड किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कांस्टेंट टर्म वैसा का वैसा ही रहेगा, और इस कॉम्प्लेक्स वाले टर्म को जो कि डिनोमिनेटर पे लिखा गया है उसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी वाले टर्म का स्क्वायर प्लस रियल वाले टर्म का स्क्वायर, और दूसरे पे लिखेंगे इसमें इमेजिनरी वाले टर्म का स्क्वायर प्लस रियल वाले टर्म का स्क्वायर। और फेस एंगल किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे डिनोमिनेटर से माइनस, डिनोमिनेटर में है इस कारण से यहाँ पर माइनस साइन लगा, और लिखेंगे इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 1। और दूसरे पे लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट बनाने के लिए स्टेप 2 को कंप्लीट किया, जिस पर हम लोगों ने दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन पर
एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट किया था, उससे मैग्नीट्यूड और फेस के वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो हम लोगों को पोलर प्लॉट के स्टेप थ्री पर जो हम लोगों ने एम और फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया है, उस एम और फाई के वैल्यू को ओमेगा इज इक्वल टू जीरो और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार से होगा। अब हम लोग इस दिए हुए एम और फाई के वैल्यू पर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर से वन मिलेगा, रूट वन का स्क्वायर, और यहाँ पर से जीरो पुट करने से टू मिलेगा, और वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, टू। 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब फाई के इक्वेशन पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, तो 10 इनवर्स 0 0 और यहाँ पर भी 10 इनवर्स 0 0, तो फाई का वैल्यू क्या मिला, 0। और इसको हम लोग लिख लेंगे 51। अब हम लोग एम और फाई के वैल्यू पर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो किसी के साथ भी इन्फिनिटी का डिवाइड किया जाता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, 0। तो m का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, 0। अब हम लोग फाई वाले इक्वेशन पर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90, तो यहाँ से माइनस 90 और यहाँ से माइनस 90, तो कितना हो जाएगा फाई का वैल्यू, माइनस 180, और इसको लिख लेंगे एंगल 52। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप थ्री होता है उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग स्टेप फोर पे देखेंगे कि क्या किया जाता है पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। हम लोगों को पोलर प्लॉट के स्टेप फोर पर क्या कैलकुलेट करना होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन को कैलकुलेट करना होगा। तो लिख लेते हैं स्टेप फोर स्टार्टिंग डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दिए हुए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोस को एस प्लेन पे पहले ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को इसका एस प्लेन पे किस प्रकार से डायग्राम मिलेगा। दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन पर हम लोगों को दो पोल का वैल्यू दिया हुआ है। पहला पोल कहाँ पर मिलेगा, एस इज इक्वल टू माइनस वन पर, तो एज्यूम कर लेते हैं कि माइनस वन यहाँ पर है। और दूसरा पोल कहाँ पर मिलेगा, एस इज इक्वल टू माइनस टू पर, तो एज्यूम कर लिए कि माइनस टू यहाँ पर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस से या इमेजिनरी एक्सिस के पास में सबसे पहले क्या है, पोल है। तो इमेजिनरी एक्सिस के पास में अगर सबसे पहले पोल होगा तो स्टार्टिंग डायरेक्शन हम लोगों को क्या लेना होगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन लेंगे क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा कि इमेजिनरी एक्सिस के पास में अगर सबसे पहले पोल हो तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, अगर जीरोज होने पे स्टार्टिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। अब हम लोग पोलर प्लॉट के स्टेप फाइव को कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप फाइव पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होता है, तो लिख लेते हैं स्टेप फाइव और उस पर लिखेंगे एंडिंग डायरेक्शन। तो एंडिंग डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने जो स्टेप थ्री पर फाई वन और फाई टू का वैल्यू कैलकुलेट किया था उसको अब हम लोग माइनस करेंगे। तो फाई वन माइनस फाई टू, तो फाई वन का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है या कितना कैलकुलेट किए हैं, जीरो, और फिर माइनस फाई टू का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए हैं, माइनस 180। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या मिलेगा, प्लस 180। जब एंगल का वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा, ध्यान से सुनिए, फाई वन माइनस फाई टू करने से एंगल का वैल्यू किस में आया, प्लस में आया। तो एंडिंग डायरेक्शन भी हम लोगों को क्या लेना होगा, क्लॉक वाई से लेना होगा, अगर हम लोग इस एंगल को माइनस करते, और आंसर किस में आता, माइनस में आता। तो एंडिंग डायरेक्शन को क्या लेना होता, एंटी क्लॉकवाइज लेना होता। अब हम लोगों ने पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हम लोग इन वैल्यू का यूज़ करके पोलर ग्राफ में पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इस पोलर ग्राफ में पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। जो हम लोगों ने स्टेप थ्री पर जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट किया, स्टेप थ्री पर जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट किया, तो मैग्नीट्यूड हम लोगों को क्या मिला हुआ है, 25, और एंगल भी क्या मिला हुआ है, फाई का वैल्यू जीरो, और स्टार्टिंग डायरेक्शन को भी देखेंगे तो क्या मिला हुआ है, क्लॉकवाइज मिला हुआ है। तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस जीरो एंगल वाले लाइन पर यहाँ पर हम लोगों को मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और जो पोलर प्लॉट का डायरेक्शन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक होता है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक होता है। तो जब हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉ करना या पोलर प्लॉट को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोगों ने ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एम का वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो एम का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला हुआ है, जीरो। तो ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो, और एंगल जो फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया है वो कितना है, माइनस 180। तो जब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो, और एंगल क्या हो गया, माइनस 180, और एंडिंग डायरेक्शन भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो एंडिंग डायरेक्शन भी हम लोगों को क्या मिला हुआ है, क्लॉकवाइज। तो जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो से कोई प्लॉट स्टार्ट होके ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंचा, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और एक्सिस हम लोगों को क्या लेना होगा, माइनस 180, और एंडिंग डायरेक्शन भी क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो फाई वन माइनस फाई टू कैलकुलेट किया था उस पर हम लोगों को एंगल का वैल्यू पॉजिटिव मिला। तो इसी के साथ ही आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन के लिए पोलर प्लॉट किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।